नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर नई सरकार बन गई है, नायब सिंह सैनी की सरकार। नायब सिंह सैनी हरियाणा के वजीर आलम हो गए हैं, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, और नायब सिंह सैनी ने अपनी पूरी वजारत भी तैयार कर दी है। हरियाणा के अंदर जो 14 मंत्री बन सकते हैं वो सभी बन गए हैं, यानी कि मान लें तो अब हरियाणा सरकार के अंदर अब कोई वैकेंसी नहीं है। नई सरकार कल से काम करना शुरू कर देगी, हालांकि कार्यभार संभाल आज ही लिया होगा, लेकिन काम कल से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब कुछ नया होता है तो फिर नई चर्चाएं शुरू होती हैं। जब कुछ नया होता है तो फिर देखा जाता है कि इसके अंदर और क्या नया हुआ। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी की सरकार बनी, नई सरकार बनी, और उसके अंदर कई नेता पहली बार मंत्री बने, यानी कि नए नए वजीर हुए, पहली बार वजीर हुए। चाहे वो गौरव गौतम हों, चाहे वो राजेश नागर हों, चाहे वो आरती राव हों, चाहे वो श्रुति चौधरी हों, चाहे वो रणबीर सिंह गंगवा हों, ये वो सब नाम हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। पर आपके साथ मैं चर्चा में हूँ एक और ऐसे नए विषय के साथ, एक ऐसा मुद्दा जो वाकई नया है और जो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और जो पहली बार हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ गौरव गौतम की, आपसे बात कर रहा हूँ पलवल विधानसभा क्षेत्र की। पलवल विधानसभा क्षेत्र और गौरव गौतम से जुड़ी मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो एक कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले बात आ जाएगी कि गौरव गौतम एक ऐसे युवा हुए, एक ऐसे युवा के रूप में सामने आए जिन्होंने सबसे कम उम्र में पलवल के अंदर विधानसभा का चुनाव जीता। अभी तक दोस्तों पलवल के अंदर जितने भी नेता विधायक बने, जो उनकी पहली बार विधायक बनने की जो उम्र थी, उन सबसे गौरव गौतम छोटे हैं। चाहे वो बात पुराने नेताओं की करें और चाहे वो पिछले दिनों में विधायक बने लोगों की हो, पलवल से विधायक बनने वाले नेताओं के अंदर खांटी नेताओं से लेकर के और नवागत नेता सब आ जाते हैं। पलवल से विधायक बनने वालों में पंडित तुईराम भारद्वाज से लेकर के चौधरी श्यामलाल तक, चौधरी धन सिंह रावत से लेकर के रूपलाल मेहता तक, चौधरी कल्याण सिंह से लेकर के और स्वर्गीय सुभाष चौधरी तक, करण सिंह दलाल से लेकर सुभाष कत्याल तक, और दीपक मंगला से चलकर गौरव गौतम तक, ये तमाम नाम हैं जो पलवल से विधायक बने। लेकिन जब बात आ जाती है सबसे कम उम्र में का नेता, सबसे कम उम्र का विधायक बनने की, तो वो कीर्तिमान गौरव गौतम के नाम जाता है, जो लगभग 35 साल की उम्र में, 35-36 साल की उम्र में विधायक बन गए हैं। इससे पहले सुभाष कत्याल 39 साल की उम्र में 1987 में विधायक बने थे। करण सिंह दलाल भी जब 1991 में पहली बार विधायक बने तो उनकी उम्र भी 35 साल से ज़्यादा थी, यानी कि वो भी इस उम्र की सीमा को पार कर चुके थे। बाकी नेताओं का देखें तो उनका राजनीतिक जो करियर शुरू हुआ वो आधे शतसदी, यानी कि उनके 50 साल के लगभग जीवन बीतने के बाद शुरू हुआ। तो इस लिहाज से देखें तो पलवल के सबसे युवा विधायक होने का कीर्तिमान गौरव गौतम के नाम जाता है। उसके बाद बात आ जाती है सबसे अधिक वोटों से जीतने का कीर्तिमान। अगर आप देखें तो गौरव गौतम ने पलवल के अंदर जो जीत दर्ज की वो 33,000 से ज़्यादा वोटों की जीत दर्ज की गई। अभी तक पलवल के जो लोग विधायक चुने गए और जो सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई, गौरव गौतम से पहली बड़ी जीत दर्ज की गई थी दीपक मंगला ने, और दीपक मंगला लगभग 28,000 वोटों से चुनाव जीते थे 2019 का चुनाव करण सिंह दलाल को हरा करके। उसके बाद करण सिंह दलाल की जीत थी सुभाष कत्याल पर 2005 में, और वो जीत थी लगभग 24-25,000 वोट की। उसके बाद अगर जाते हैं तो फिर करण सिंह दलाल नहीं, देवेंद्र चौहान को हराया, सुभाष चौधरी को हराया, ये जीत भी करण सिंह दलाल की थी। लेकिन जब कीर्तिमान की बात आएगी तो गौरव गौतम ने सबसे अधिक वोटों से जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। उसके बाद बात आ जाएगी कि पलवल के अंदर जो ब्राह्मण नेता चेहरा, ब्राह्मण चेहरा विधायक बना, उसमें आप देखें तो लगभग आधी सदी बाद कोई ऐसा मौका लगा जिसके अंदर किसी ब्राह्मण नेता को मौका मिला विधायक बनने का। टिकटें बहुत पार्टियों ने दी, बहुत पार्टियों से बहुत नेता चुनाव मैदान में आए। आप देखें तो 1987 में पंडित किशन चंद दीक्षित चुनाव लड़े, 1991 में पंडित नित्यानंद शर्मा चुनाव लड़े, कांग्रेस से लड़े थे दोनों, 1996 में फिर किशन चंद दीक्षित चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, 2000 में पंडित योगेश गौड़ चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद पंडित तुईराम भारद्वाज चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से, और उसके बाद में फिर चुनाव लड़े सिहौल वाले पंडित जी धर्मचंद सिहौल, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी थे, धर्मचंद सिहौल भी चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से। ये राजनीतिक दलों ने, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने टिकटें दी, लेकिन एक भी ब्राह्मण नेता चुनाव नहीं जीत पाया, एक भी ब्राह्मण नेता।
नित्यानंद शर्मा दूसरे स्थान पर रहे। पंडित किशन चंद दीक्षित जो 1996 के चुनाव में तो तीसरे चौथे स्थान पर पहुंच गए। अगर योगेश गौड़ की बात आएगी तो वो बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारे। तोयराम भारद्वाज और पंडित जी सिहोल वालों का तो उनकी तो जमानत भी नहीं बच पाई। और अगर बात आ जाती है गौरव गौतम की तो फिर आधी सदी के बाद गौरव गौतम ऐसे ब्राह्मण नेता के रूप में सामने आए जिन्होंने टिकट जिनको भारतीय जनता पार्टी का मिला और रिकॉर्ड मतों से उनको जीतने का गौरव मिला, यानी कि गौरव का रिकॉर्ड मतों से जीतने का गौरव, रिकॉर्ड मतों से जीतने का कीर्तिमान। अब अगर आगे आ जाते हैं तो पलवल को लगभग 2.5 दशक से ज़्यादा समय हो गया जब पलवल से किसी नेता को वजीर बनाया गया, कोई नेता मंत्री बना। आपको बता दूं कि 1982 में पलवल से करण सिंह दलाल विधायक थे, वो मंत्री बने थे सरकार में। 1987 में सुभाष कत्याल विधायक बने थे, लोकदल की सरकार थी, वो मंत्री बने थे। 1991 के अंदर करण सिंह दलाल विधायक बने थे, विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, मंत्री नहीं बने। 1996 का लास्ट दौर था जब पलवल से कोई मंत्री बना, वो करण सिंह दलाल थे 1996 में। 1996 से 1999 तक करण सिंह दलाल मंत्री रहे। 2000 के चुनाव में करण सिंह दलाल फिर चुनाव जीते, सरकार चौटाला साहब की थी। 2005 के अंदर करण सिंह दलाल चुनाव जीते, कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। 2009 में सुभाष चौधरी चुनाव जीते, कांग्रेस की सरकार बनी। 2014 में करण सिंह दलाल चुनाव जीते कांग्रेस से और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। 2019 में सरकार भी बीजेपी की थी और दीपक मंगला विधायक भी बने लेकिन मंत्री नहीं बने। और अब 2024 में गौरव गौतम विधायक भी बने और पहले ही विस्तार में उनको सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा भी मिल गया। यानी कि अगर देखें तो गौरव गौतम ने पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-5 कीर्तिमान स्थापित किए। सबसे कम उम्र के विधायक बनने का गौरव गौरव को मिला, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का गौरव गौरव को मिला, पहली बार ब्राह्मण विधायक बनने का मौका गौरव गौतम को मिला। और उसके बाद अगर बात आ जाती है तो फिर लगभग 2.5 दशक बाद पलवल को सरकार के अंदर पूरी भागीदारी, पलवल का मंत्री बनने का मौका भी गौरव गौतम के रूप में मिला। आपको क्या लगता है गौरव गौतम अपने कार्यकाल में कितने कामयाब साबित होंगे? आपको क्या लगता है कि जिस सोच के साथ उनको खासकर युवा वर्ग ने अपना विधायक, अपना नुमाइंदा चुना, वो उन आशा उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा सरकार का 100 दिन का वही रोड मैप जो आपसे मैं लगातार मैं कह रहा हूँ कि पलवल के रोड मैप को लेकर के आप क्या कोई अपने विधायक, अपने मंत्री को सुझाव देना चाहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।